अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके एक और नया पंडूरा बॉक्स खोल दिया है। अपोजिशन जमातें कहती हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए नैब के इख्तियारात में तब्दीलियां की गई हैं। जब नैब सियासतदानों के एहतसाब में नाकाम हो गया तो अब FIA को अपोजिशन के खिलाफ मैदान में उतारा जा रहा है। FIA से अब नैब जैसा काम लिया जाएगा और फिर नैब के नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब करप्शन के इल्जाम में नैब उस वक्त तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास करप्शन के सबूत ना मौजूद हों। वजीर आजम इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस के दिफा के लिए आज कानूनी और हकूमती रहनुमाओं का जो सेशन बुलाया उसमें उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के लिए हकूमती बयानिए से आगाह किया और एहतसाब से किसी सूरत पीछे ना हटने का भी कहा। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ कार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद मुल्क में कारोबार को फरोग देना है ताकि लोगों को रोजगार मिले। अब सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि क्या इस ऑर्डिनेंस से अपोजिशन को फायदा होगा या हकूमती वुजरा को, और इसमें बेनिफिशरी ज्यादा कौन होगा। हकूमत इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान करती हुई नजर आ रही है तो अपोजिशन अब उस पर किस तरह से परसू करेगी पार्लियामेंट में, हम इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो आज का है वो ये है कि फायदा तो दोनों जानिब ही इस नैब ऑर्डिनेंस का होता हुआ नजर आएगा, बट ज्यादा बेनिफिशरी कौन होगा, ये ज्यादा अहम सवाल है। साथ साथ अगर बात कर ली जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो वो सिंध में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज कराची में उन्होंने 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं तरक्याती मंसूबे हैं उनकी इनॉग्रेशन की है और उस मौके पर उन्होंने MQM को एक बड़ी ऑफर भी दाग दी। कहा कि MQM को जितनी वजारतें मरकज में फेडरल में मिली हुई हैं हम उतनी ही वजारतें उन्हें प्रोविंस में देने को तैयार हैं अगर वो फेडरल गवर्नमेंट को गिराने में हमारा साथ दें। अब इस ऑफर को MQM कबूल करती है या नहीं, उनका अपना ऑफिशियल बयानिया भी आ चुका है जिसमें कि मना कर दिया गया है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल में जो इस तमाम सूरत हाल में हमें नजर आ रहा है कि क्या MQM अब एक बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो अपना चुकी है कि अलायंसेस को अब अपोजिशन टारगेट करती नजर आ रही है। क्या ये सेकंड स्टेज ऑफ स्ट्रेटजी है जिसकी कि अब तक अपोजिशन बात कर रही थी -1 फॉर्मूले की, क्या अब वो प्रैक्टिकली इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस किस्म की ऑफर्स जो हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। हम इससे पहले कि इन तमाम मौजूदात पर अपनी ऑफिशियल डिस्कशन को स्टार्ट करें हम अपने ऑनरेबल पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नवेद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर मियाँ अतीक साहब, MQM से इनका ताल्लुक है। और हमें फैजुल्ला साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने आज का रन डाउन सुना और हमने आपके सामने रखा कि नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद हकूमत को शदीद तनकीद का सामना है और अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस हकूमती वुजरा को रिलीफ देने के लिए लाया गया है, बट एट द सेम टाइम हमें पीपल्स पार्टी कहती हुई नजर आई कि ये NRO प्लस है। अब इस नैब ऑर्डिनेंस से फायदा किस किस को हो रहा है इस पर भी हम आज बात करेंगे, बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड हम पहले आपको सुनवा दें कि व्हाट एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर सेड टुडे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, उन्होंने आज क्या क्लैरिफिकेशन दी है। तो अब अल्लाह का शुक्र हमारी इकॉनमी स्टेबल हुई है और ये जो 2020 है इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम नौकरियां पैदा करें पाकिस्तान में, जो अपनी इंडस्ट्री चलवाएं, आसानियां पैदा करें। हमने ये जो नैब ऑर्डिनेंस भी लेके आए इसका सिर्फ मकसद ही ये है कि बिजनेस हो, लोग अपनी फैक्ट्रियां लगाएं, काम करें, एक्टिविटी हो ताकि नौकरियां मिले लोगों को, रोजगार मिले, हमारी नौजवान आबादी है उसको रोजगार की जरूरत। तो एक ये, और दूसरा जो हमारा कमजोर तबका है उसके लिए अब हम अपना एहसास प्रोग्राम बढ़ाने लगे हैं। जी नाज़रीन, एक तो ये पर्सपेक्टिव सामने लाया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, दूसरा ऑपोजिशन बार बार कह रही है कि ये मदर ऑफ ऑल NRO है, वो इसको मदर ऑफ ऑल NRO क्यों करार दे रही है हम इस पर भी बात करेंगे। नून लीग के परवेज रशीद साहब जो है उन्होंने आज जब मीडिया टॉक की और नैब और ANF के बाद उन्होंने कहा कि अब FIA से भी वही काम करवाया जा रहा है जो कि नैब से करवाया जा रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों इदारे नाकाम हो चुके हैं। लेट्स लिसन एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से टुडे
about all these institutions and then we will get back to our discussion here. Jin logon ko jhoote ilzamat laga ke giraftar kiya gaya tha unko rihai adalaton se milni shuru ho gayi. Na ANF ka ye kaam tha siyasi intiqam ke liye istemal ho, na NAB ka ye kaam tha. Ab FIA ko siyasi intiqam ke liye istemal kiya ja raha hai. Pakistan ke saath ye sab kuch jo kuch aap kar rahe hain, Pakistan iska mustahik nahi tha. जी, जैसा कि आपने यहाँ पर पर्सपेक्टिव सुना ऑपोजिशन का, अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम ऑपोजिशन से ही शुरुआत कर लेते हैं अपनी आज की डिस्कशन की. अगर सेनेटर मियां अतीक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही हो, हम पहले आपका पर्सपेक्टिव लेंगे इस नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से. ये जो परवेज रशीद साहब अभी कहते हुए नजर आए हैं कि जो नैब सियासतदानों का एहतसाब करने में नाकाम हो गई है, वो कह रहे हैं कि अब वही काम FIA से करवाया जाएगा. आप इस नैब ऑर्डिनेंस को किस तरह से देखते हैं एज एन अलाइड, एज एन अलायंस टू द गवर्नमेंट? समझता हूं कि ये तमाम हुकूमतों का, जो इससे पहले भी दो हुकूमतें आई उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उस वक्त में भी ये बात सामने रखी गई कि नैब ऑर्डिनेंस को, उसके एक्ट को तब्दील किया जाए, नैब के कानून को बदला जाए. तो फिर हमारे जो फरोग नसीम भाई लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने ये प्रपोज किया कि क्यों ना इसको एक बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए और उसमें जितने प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, वो किसी भी शोभा हाय जिंदगी से हूं, उन सबको यकमुश्त करके किसी ऐसी जगह पर लाया जाए ताकि सबको इकट्ठा लेकर चला जाए. लेकिन एक बात और भी साथ साथ है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और ये करने के बाद भी मजीद उसको तकवीयत दी जा रही है, उनके काम को डिफाइन किया जा रहा है. जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज हमारे मुल्क में मईशत की जो बदहाली है वो, उसको सबसे पहले ट्रैक पर लाना जरूरी है. तो उसके लिए ये था कि जो कारोबारी हजरात के जहन में, खासतौर पर जो बड़े कारोबारी हैं, उनको अगर किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व किया जाए, किसी केस में लाया जाए, तो उसके लिए कारोबारी तबके का ये था. मैं भी क्योंकि चैंबर का प्रेसिडेंट रहा हूं, कराची चैंबर ने, लाहौर चैंबर ने, रावलपिंडी चैंबर ने, फैसलाबाद चैंबर ने यकजुबान होकर ये कहा था कि जो हमारे बड़े कारोबारी हैं उनको थ्रेट किया जाता है नैब के अफसरान की तरफ से, मुख्तलिफ किस्म के केस बनाकर, मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व करके. तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी तौर पर ये इस बात को इस तरीके से लिया कि क्यों ना हम अपने कारोबारी को, जैसे वो हमेशा ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, उन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये तो एक बेहतरी की बात है. लेकिन अगेन बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, माय सजेशन टू द गवर्नमेंट विल बी कि अगर इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाया जाए, अमेंडमेंट इन द एक्ट किया जाए, तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ऑपोजिशन को एक और मौका मिलेगा. उस पर भी आएंगे कि पार्लियामेंट में लाया जाएगा इस ऑर्डिनेंस को. लेकिन यहाँ पर मियां अतीक साहब, हमने तो ये सुना था प्राइम मिनिस्टर से कि दो नहीं एक पाकिस्तान. अब आज आप खुद कह रहे हैं कि जो बड़ा कारोबारी तबका है उसके लिए एक और लॉ है, या ये जो अमेंडमेंट की गई है ये बड़े कारोबारी तबके के लिए की गई है, और जो छोटे बेचारे कारोबारी तबकात होंगे फिर क्या सारा नजला जो है उन्हीं पर ही गिरा करेगा? मैं यहाँ पर राना अरशद साहब आपकी जानिब आऊंगी. अब ये जो वजीर आजम इमरान खान ने आज कहा, वो कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद मुकम्मल करिएगा जल्दी से. जी जी नीलम, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से. यकीन कीजिए, मैंने कहीं पर ये नहीं कहा कि ये मामला जो है ये छोटों को पकड़ने के लिए और बड़ों को छोड़ने के लिए है. मैंने तो ये कहा कि ये एक डिमांड थी कारोबारी तबका की जो पूरी की गई है, उसमें तमाम हर तरह के कारोबार करने वाले आएंगे और फिर ये जो बड़ों की बात है उन्हीं का किसी ना किसी तरीके से किसी पार्टी के साथ लिंक निकलता है, पार्टी के ओहदेदार के साथ लिंक निकलता है. तो आप लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी ओपनली कि इसमें कतई तौर पर ये दो पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, गरीब और अमीर की बात नहीं हो रही, छोटे कारोबारी और लेकिन बड़े कारोबारी. लेकिन मियां अतीक साहब, वजीर आजम साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये मेरे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं इनमें से भी अक्सर को परेशानी थी, उन्होंने खुद अपने दोस्त अपने मुंह से उन्होंने ये अल्फाज अदा किए, तो फिर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्या किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है. अगर वो क्लिप हमारे पास मौजूद और हमारे प्रोड्यूसर चला सके. ये आप दुरुस्त कह रहे हैं राणा अरशद साहब. अब यहां पर
बिल्कुल एग्जैक्टली उनके अपने अल्फाज से एग्जैक्ट उनके वर्ड्स कोट किए राना अरशद साहब. अब ये आज वजीर आजम जो है वो फिर कह रहे हैं कि भाई नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद मुल्क में कारोबार को फरोग देना है ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो फिर अपोजिशन को क्यों लग रहा है? और बल्कि आप लोग भी अब तक ये इशू उठाते रहे थे कि नैब की वजह से पूरे मुल्क में कारोबार बंद हुआ हुआ है, तो फिर आप लोगों को आज ये क्यों लग रहा है कि इसमें किसी किस्म का एनआरओ दिया गया है या एनआरओ प्लस दिया जा रहा है या हुकूमती उजरा को जो है रिलीफ दिया जा रहा है? रहमान रहीम, नीलम नवाब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का, और मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब और उनकी टीम मराज सईद साहब का फरमान है कि जब खान साहब ओथ लेंगे तो 200 अरब आ जाएगा, फिर उसके बाद खान साहब के फरमान आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे. ये थ्रू आउट अगर आप थोड़े बैकग्राउंड देखें, फिर सऊदी अरब का पहला विजिट देख ले, वापसी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें. बाद में मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड अर्ज कर रहा हूं कमर जवेद बाजवा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनकी वजह से सऊदी अरब और यूएई मुस्लिम कंट्रीज ने इनको अमदाद दी, इनको कर्जे दिए, इनको लोन दिए. और अब जो ये बात आज फरमा रहे थे अक्टूबर 1999 12 अक्टूबर के बाद जब ये नैब का काला कानून बना, पार्टी के पास भी, गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नून के पास भी आई, हमने अमेंडमेंट नहीं की. जब मोहतरम चेयरमैन नैब फरमाते हैं कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है, जब बीआरटी की बात होती है तो आज सडनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर 24 आवर्स में क्यों ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? अब तो प्रेसिडेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी है. खान साहब खुद एक ऑनलाइन गुफ्तगु करते हुए कह रहे हैं कि ये मेरे दोस्त जो थे ये परेशान थे, मैंने इनका प्रॉब्लम मसला हल कर दिया है ऑर्डिनेंस के जरिए. इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब जब मालूम जब्बे की तरफ बात आ रही है, जब बीआरटी की तरफ बात आ रही है, जब बिलियन ट्रीज की तरफ बात आ रही है, जब महमूद खान साहब के केसेस सामने आ रहे हैं, और जब इत्साब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा बंद होता है, लेकिन फिर सवाल तो फिर ये भी खान साहब ने इतना बड़ा यू टर्न लिया, काश चौधरी साहब हम आपका इसको पार्लियामेंट में लाते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी थी. राना अरशद साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया. नवेद चौधरी साहब, ऑपोजिशन को लेकर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सबसे बड़े क्रिटिक थे नैब के, और बल्कि हमने आसिफ जरदारी साहब को सुना फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अगर नैब को साइड पर कर दिया जाए तो मामलात जो है आगे बढ़ सकते हैं. और हमने ये भी देखा था कि नून लीग की हुकूमत खुद कहती रही कि हाँ हमसे गलती हुई कि नैब अमेंडमेंट्स हम नहीं ला सके. अब जब इस हुकूमत ने ये कदम उठा लिया है और वो नैब अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं, तो फिर उन पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? अब तो आप लोगों को जो चीज आपसे नहीं हुई, आप लोग खुद इस चीज को इंडोर्स करते रहे कि हाँ कर देनी चाहिए थी नैब अमेंडमेंट्स, तो आज आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर दी, तो फिर इतनी शदीद क्रिटिसिज्म क्यों? देखिए, आपने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा और मियां तीक साहब भी इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था और आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है. बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है नैब का, उसका रोल सबके सामने है कि नैब अपना रोल अदा करने में नाकाम रहा है. नैब ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया वो आपके सामने है, वो सब किसी ना किसी बेल के बाहर आ गए और वो एक ऐसे जुर्मों की सजा काटी जो कि उन्होंने ना करदा जुर्म थे. आज तक रेफरेंसेस किसी से नहीं बन सके, जो रेफरेंसेस बने उनकी एविडेंस इतनी कमजोर है कि हिसाब कोई नहीं. लेकिन मौजूदा हुकूमत जो कि मास्टर ऑफ यू टर्न्स है, जिसने कि हर जगह पर यू टर्न्स लेना है, उसका तो एक ही एजेंडा था और वो एजेंडा इनका ये था कि मैंने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, मैंने मुल्क के अंदर किसी करप्ट को रहने नहीं देना. तो फिर ये उन करप्ट को बचाने के लिए क्यों आ गए जो 50 करोड़ रुपए वाले हैं? क्या वो करप्ट ऐसे नहीं थे करप्ट जिनके लिए किया है? तो इसमें इनका मैलाफाइड इंटेंशन नज़र आती है. और फिर ये फिक्रा कहना कि मेरे चंद दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा, चंद नहीं सब दोस्तों इनके बेनिफिट मिल रहा है, जुल्फी बुहारी हो या परवेज खटक हो, ये सब इनको मिलेगा. अगर आपने कोई अमेंडमेंट लानी है या अमेंडमेंट लानी थी तो पार्लियामेंट मौजूद थी. अगर आप इतनी अच्छी अमेंडमेंट लेके आ रहे थे कि जिसमें सब अपोजिशन को इतराज़ नहीं था, तो कंसेंसस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. रेफर कर देते केस उसके कमेटी के पास और आज ये बिल पेश हो चुका. लेकिन नहीं, देवर इन हेस्ट, उनको पता है कि आने वाले चंद दिनों में उनके साथ क्या होने वाला था, उनके अपने केसेस की क्या पोजीशन है,
इसलिए उन्होंने कहा कि इसका बेस्ट वे है कि ये क्या है कि बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। आज देखे वो उसकी रेट हो चुकी है, पूछ लेते हैं और उसके खिलाफ चला गया कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, चीजें हैं, वो अपनी जगह जा चुका है। ऑलराइट फैजुल्ला साहब, हम वो भी पूछते हैं कि एससी में चैलेंज भी हो गया ये। फैजुल्ला साहब, अब ये तमाम रिजर्वेशंस आपके सामने हैं, एक तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या बिजनेस माफिया जो है वो इतना ताकतवर हो चुका था कि हुकूमत को उसके लिए नैब में अमेंडमेंट करना पड़ी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या ये जो हमारे सामने बीआरटी और मालम जब्बा केसेस और जो हेलीकॉप्टर केस है उसकी बारी बाती नजर आ रही थी तो हुकूमत ने इसमें जो है नैब में अमेंडमेंट कर दी है। और फिर ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप होता चला जा रहा है कि ये तमाम ऑर्डिनेंस जो नैब ऑर्डिनेंस लाया गया ये सब हुकूमती वुजरा को या रहनुमाओं को बचाने के लिए किया गया, इसीलिए हेस्ट में जल्दी में आप लोगों ने जो है इसको ऑर्डिनेंस के तौर पर लाए हैं। आपने साहबा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फोन लाइन पे लिया है। अब जरा तामुल से जरा आपने बाकी सब लोगों की भी बात सुनी है, थोड़ी मेरी भी बात आप तामुल से सुन लीजिएगा। ये मेरे दोस्त जितनी भी बात कर रहे हैं ये सारी मफरूजों के ऊपर मुश्तमिल है। इन्होंने शायद जो नैब ऑर्डिनेंस जो अभी तरमीम आई है उसमें नैब के कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए से इन्होंने शायद उसको पढ़ा नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स को या किसी एक मखसूस ग्रोह को या किसी एक खास तबके को फायदा देने के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालम जबा केस अपनी जगह पे मौजूद है, हेलीकॉप्टर केस अपनी जगह पे मौजूद है, सारे केसेस जो हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है इससे आपको मैं बताऊं मईशत का पहिया नहीं चल रहा था, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करने से इनकारी थी, और अगर सीजनल कोई प्रॉब्लम आ जाती थी कहीं पे किसी से, इंसान है, इंसान से कोई सेवन भी कोई गलती हो सकती है तो उसको भी नैब के वो दायरा कार में आ जाता था तो उसको भी वो सारा कुछ भुगतना पड़ता था जिसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होती थी। तो देखिए ये सारे लोग अब जो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप सिर्फ इनकी एक महीना या 15 दिन पीछे की तकरीरें उठा के देख लें तो ये कह रहे हैं, आपको कहते हुए नजर आएंगे कि नैब ऑर्डिनेंस जो है, नैब का जो कानून है उसको तब्दील होना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, कारोबार नहीं चल रहा, यही बातें ये लोग पहले कर रहे थे। अब जब हमारी हुकूमत ने एक बोल्ड स्टेप लिया है तो फिर उसके बाद इनका ये कोई जवाब नहीं बनता। और अगली बात मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह ताला टेबल होगा पार्लियामेंट के अंदर और हम अपोजिशन को वेलकम करेंगे, वो इसके ऊपर अगर अपनी कोई राय देना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी राय ली जाएगी, और अगर कोई बेहतर तजावीज आएंगी तो उनको इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर फैजुल्ला साहब, अब ये दो तीन सवालात जो उठाए गए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि एक तो इस ऑर्डिनेंस में कहा जा रहा है कि जो मिसयूज ऑफ पावर या अगर एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस हैं वो उसमें नैब का कोई अमल दखल नहीं होगा, सिर्फ करप्शन रिलेटेड केसेस जो है वो नैब के दायरा कार में आते हैं। तो इसको देखते हुए तो जो 70% रेफरेंसेज हैं इसका मतलब है कि दे आर आउट ऑफ नैब सर्कल, वो जो नैब के दायरा कार से वो जो है बाहर है, खारिज हो गए हैं। और फिर ये भी कहा गया कि जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं, टैक्सेस के मामला जो है वो एफबीआर को दिए जाएंगे, फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एससीसीपी हैंडल करेगा। तो जो रिलेटिव उनकी अथॉरिटीज हैं ये मामला उन रिलेटिव अथॉरिटीज के पास चले जाएंगे, नैप सिर्फ जहां जहां करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उस तक लिमिटेड हो जाएगी। तो फिर 70% रेफरेंसेस तो ऑब्वियसली फारिग हो जाएंगे, और उसमें ऑपोजिशन के भी रेफरेंसेज हैं, हुकूमत के भी रेफरेंसेज हैं। आप जरा सुनिएगा, अल्लाह आपका भला करे, आपने खुद ही बहुत सारी वजाहत कर दी है। देखिए बहुत सारे कानून ऐसे थे जहाँ पे लोग, कारोबारी लोग या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग या हमारे सरकारी इदारों के लोग, या तोतों की जरा बोले या को बात करें, एक बार रिपीट किए जा रहे जी, आप एक ही बार रिपीट किए जा रहे, कोई नई बात कर, आपकी जानिब हम आएंगे। फैजुल्ला साहब आप मुकम्मल करिएगा जी, मुझे मुकम्मल कर लेने दें, उसके बाद जो मेरे भाई कहना चाहते हैं ये जरूर कहें, गुस्सा ना करें, बात सुन लें। सिर्फ बात ये है कि
दो तरह के एक ही लोग, एक ही बंदे को नैब भी तलब कर रहा था, उसको एंटी करप्शन वाले भी बुला रहे थे, उसको नैब भी तलब कर रहा था, उसको एफबीआर वाले भी बुला रहे थे। तो ये अगर इसको जिन इदारों का जो काम है, अगर उन इदारों को वो काम करने दिया जाए और जो ये एक एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन हुई हुई है उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। ये सारी पार्टियों के मेरे भाई यही बात कहते रहे हैं पहले से कि जी ये जो इसमें लेकिन ये अब क्यों ख्याल आया। और ऑलराइट मियां अतीक साहब, हम मियां अतीक साहब की जानिब आएंगे। मियां अतीक साहब, हम पहले आपको सुनवा देते हैं। खुसूसी शहजाद अकबर साहब जो है, ऑलराइट फैजुल्ला साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, हम आपकी जानिब आएंगे दोबारा। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी टाइम दे दूं। टाइम इनको दे दें यार, एक मिनट दे दीजिए प्लीज, बोलते जाएंगे एक बात हो रही है जी, क्विकली आप। हेलो जी जी फैजुल्ला साहब, क्विकली आप मुकम्मल करिएगा जी, बस मैं एक मिनट रहूंगा। ये एक दिन में नहीं, पहले 15 मिनट आप ले चुके हैं, बात कर नहीं रहे। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बारीक बारीक साहब, मियां अतीक साहब, ठीक मियां अतीक साहब, हम ऑलराइट मियां अतीक साहब, ये हम आपको पहले मुआवन खुसूसी शहजाद अकबर साहब कल हमें प्रेसर करते हुए नजर आते हैं और वो कह रहे हैं कि करप्शन अब भी नैब की दस्तरस में है, टैक्स मामलात नैब नहीं एफबीआर देखेगा, जो इंक्वायरीज और तहकीकात नैब में अभी जारी है उन पर भी इस तरमीम का इतलाक होगा। हम एग्जैक्टली आपको सुनवा देते हैं कि व्हाट डिड ही एग्जैक्टली से एंड देन वी विल टेबल आवर क्वेश्चन टू यू। यहाँ पे लव करप्शन आ जाएगा, एलिगेशन आ जाएगा, वो अभी भी नैब की दस्तरस में है। ये बड़ी बात की जा रही है कि शायद सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बेनिफिट दे दिया गया है। भाई पब्लिक ऑफिस होल्डर मींस चाहे वो वजीर है या ब्यूरोक्रेट है, तो सियासतदान इससे वो एक ही कश्ती में सवार हैं, डूबेंगे भी इकट्ठे और बचेंगे भी इकट्ठे। तो ये तो नहीं है कि इस कानून को पास करने के बाद आप उसको टैक्स चोरी से छूट दे रहे हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा भी चलेगा और उसके ऊपर फाइन भी होगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है वो एफबीआर की है। जिसने करप्शन की, किकबैक्स लिए, कमीशन लिए, मुल्क के साथ ज्यादती की, उसकी उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर ऑर्डिनेंस के अंदर कोई अनड्यू बेनिफिट अगर किसी को लगता है या किसी अपोजिशन की जमात को भी लगता है, तो जिसे कहते हैं कि घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है, इस अमेंडमेंट ने पार्लियामान के सामने ही जाना। अतीक साहब, जैसा कि आपने सुना वो कह रहे हैं कि इस नए ऑर्डिनेंस में मिस यूज ऑफ अथॉरिटी को नैब से अलहदा कर दिया गया है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टैक्स के मामलात एफबीआर देखेगा, तो फिर इससे तो अपोजिशन के जो सियासतदान हैं उन पर जो केसेस हैं फायदा तो उन्हें भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए लेट मी क्लियर वन थिंग, कि दो चीजें हमें सेपरेट सेपरेट रखनी चाहिए। कुछ मामलात जो हैं वो हैं, आपने अगर टैक्सेशन के मामले में कोई गड़बड़ की, कारोबार के मामले में कोई गड़बड़ की, अपने सरकार के जो सरकार कार हाय सरकार है सरकारी अफसरान के लिए, उनमें किसी किस्म की कोई रिश्वत सतानी की, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग कानून मौजूद हैं। हमारे यहाँ ये खास तौर पर अभी लास्ट जब ये बात चली कि जी हमने एहतसाब करना है, तो शायद ये समझा गया कि एहतसाब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुल्क में एक ही इदारा है जिसका नाम नैब है। उसके बाद फिर नैब के चेयरमैन ने भी कई मर्तबा मुतअद्दिद बार उन्होंने आकर ये कहा कि देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हम छोटी से छोटी चीज को पकड़े, हमारा काम ये है कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, जिन्होंने अवाम की दौलत को खाया, उनको जरूर नैब पकड़ेगी। अब इस ऑर्डिनेंस में मेरे भाई ने शायद जल्दी में कह दिया, मैं तो पूरा ये ऑर्डिनेंस देख कर आया हूं, और ये जब ये बन रहा था तब भी हम बात कर रहे थे, हमने अपनी प्रपोजल भी दी, डिस्कशंस भी हुई। मैं फिर रिपीट करूंगा, देखिए इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि नैब के डिपार्टमेंट में, नैब के ऑफिस में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, बिजनेसमैन को बुलाया जाता था। उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी ने यह कहा कि देखिए आप हमारे कारोबारी मामलात को अलग रखिए, और जो करप्शन के मामलात हैं बिलखसूस जो ऑफिस होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनको सेपरेट रखा जाए। मैं समझता हूं कि शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए लॉ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, शहजाद अकबर साहब ने मिलकर यूनानिमसली ये फैसला किया कि हम ये इस तरह का ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं जिसमें कारोबारी तबका सेपरेट हो जाए और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो अपने आप को अलग रखे और उनके केसेस जो है वो नैब चलाए, ताकि जो केस नैब के पास आए वो किसी ना किसी मंतकी अंजाम तक उसको पहुंचाया जा सके। जी
ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर नवेद चौधरी साहब, अब ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस है इसके तहत तो फिर जो जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स का रेफरेंस है ये तो वो भी फिर फारिग हो जाएगा, और फिर एक और जो कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि इस नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो पेशियां पहले नैब के सामने हो रही थी अब वही पेशियां एफआईए के सामने हो जाएंगी। मियां जावेद लतीफ का केस ले ले, अता तारर ले ले, उनके बाद अब परवेज रशीद जो है उनकी भी जो पेशी अभी आज भुगत कर आ रही है, वो सवाल उनका यही है कि एफआईए अब वो काम कर रही है जो कि पहले हुकूमत नैब से करवा रही थी, तो ये वो तो ये भी कह रही है कि तमाम इदारों को मलाइन किया जा रहा है, चाहे नैब हो, चाहे एफआईए हो या एएनएफ हो, क्या फरमाइएगा जी? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि देखिए बात ये है, जहां तक तल्लुक है आसिफ जरदारी साहब के केस का या किसी भी, अभी मेरे भाई अतीक साहब ने कहा जी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के बेस पे या किसी बेस पे अगर आप बात करेंगे तो वो तो बिजनेस के खाते में आएगा, उसी पे खाते में आएगा। हम लोगों ने तो सजाएं भुगत ली, हमने तो 6-6 माह, 7-7 माह, 8-8 माह, 7 साल बगैर किसी जुर्म के सजाएं काट ली। बात ये सिर्फ हो रही है कि जिन लोगों को अब सजाएं मिलने वाली थी, जिनको पकड़ के आपने एलिगेशन साबित करवाने थे, उनके लिए तो आपने छूट का रास्ता खोल दिया। इसको हम एनआरओ कह रहे हैं, जो इनको बात समझ नहीं आ रही है, कहते जी पढ़ के हैं, क्या चीज़ नहीं पढ़ी किसी ने? उनके अपने जो एमएनए साहब थे, जो तहरीक इंसाफ के, उनके लिए नहीं पढ़ा लगता, क्योंकि वो एक ही फिक्रा बोले जा रहे हैं, बिजनेस मैन और ब्यूरोक्रेट। भाई कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती किसी का लॉ के अंदर, ये कौन किसके आया, ये डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं आएगी, ये किसके लिए कहा गया, उसके लिए एंटी करप्शन मौजूद है, जब एंटी करप्शन का अदारा मौजूद है तो उसके बाद इंतजाम ब्यूरो की क्या जरूरत थी, फिर इंतजाम ब्यूरो को खत्म कर दिया जाए। आज खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंतजाम ब्यूरो वो करप्शन खत्म करने में नाकाम रहा है। भाई शहजाद अकबर साहब ये बातें कह रहे हैं, जब एहतसाब ब्यूरो नाकाम रहा है तो फिर उसका उसका खर्चा उठाने का, उसकी पब्लिक बनी उठाने का क्या फायदा, उनको आर्म ट्विस्टिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए, और यही काम होता है। हमने यही कल भी कहा था और आज भी कहते हैं, ये इनका गठजोड़ था, अब क्योंकि गठजोड़ की हवा अपनी तरफ आने लगी, जब आवाम का प्रेशर आया कि आप लोग तो खुले फिर रहे हैं, आपके लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा एक ऑर्डिनेंस ला के उसका नाम दे दिया जाए कि ये बिजनेसमैन के लिए किया। क्या बिजनेस एक्टिविटीज इस बुनियाद पर रुकी हुई है? बिजनेस एक्टिविटीज तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से रुकी हुई है, बिजनेस एक्टिविटीज तो आपकी अपनी जो महंगाई का रोजाना बढ़ रही है उससे रुकी हुई है। आप कभी बिजली का बिल बना रहे हैं, कभी किसी का बना रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, कभी पेट्रोल का बना रहे हैं, आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से बिजली है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर सवालात उठाएंगे कि वो अफराद जो इस वक्त नैब की तहवील में है, क्या उन्हें फौरी रिलीफ मिलेगा अंडर दिस नैब ऑर्डिनेंस और नॉट। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस 2019 पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है और पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है। एक तासुर ये भी डेवलप हो रहा है इस ऑर्डिनेंस को लेकर कि हुकूमत ने इस नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके एक तीर से दो शिकार किए हैं, ताजिरों और इंडस्ट्रियलिस्ट की हमदर्दियां समेटी हैं, जबकि ऑपोजिशन की मजबूरी इस वक्त ये है कि अगर वो ऑर्डिनेंस की मुखालफत करती है तो जिन लोगों को ऑर्डिनेंस से फायदा पहुंच रहा है, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, वो ये समझेंगे कि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि उन्हें कोई किसी किस्म का फायदा पहुंचे। अब ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस से ऑपोजिशन को कितना फायदा पहुंचेगा और हुकूमती वुजरा को कितना फायदा पहुंचेगा। सवाल ये भी है कि वो अफराद जो इस वक्त नैब की तहवील में है, उन्हें फौरी रिलीफ मिलता नजर आएगा या नहीं, और अगर ऑपोजिशन को भी फायदा पहुंच रहा है तो क्या ऑपोजिशन सिर्फ इस तमाम मामले पर एक रस्मी सी तनकीद से ही काम लेती हुई नजर आएगी। हम ब्रेक पर जाने से पहले यहां पर बात कर रहे थे, राना अर्शद साहब आपकी जानिब आएंगे, एक तो ये बताइएगा कि क्या जो इस वक्त हिरासत में है नैब की, उनको फौरी रिलीफ मिल सकेगा, और फिर हुकूमत को जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट जो है उसकी जरूरत इतनी अर्जेंसी में क्यों पेश आई, और अब पार्लियामेंट में मामला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट में जब जेरे बहस आएगा तो शायद ऑपोजिशन जो है और हुकूमत जो है वो आपस में एक टीम वर्क करके इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे? मैं चाहता हूं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पर, वो फरमाते थे कि मैंने किसी को एनआरओ नहीं देना, अब अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि ये मैंने आपके लिए किया, तो ये वाजे है, ये क्लियर है कि ये बाबर अवान साहब के लिए है, ये परवेज खटक साहब के लिए है, ये महमूद खान साहब के लिए, ये जुल्फी बुखारी के लिए है, ये नजर गोंदल के लिए है। और जो बात आपने की, देखना इन्होंने 20 दिन में 4 दफा बिजली महंगी की है, 1 रुपए 40 पैसे तो उन्होंने 2 दिन पहले की है, और 26
पैसे इन्होंने एक हफ्ता पहले की है, 184 पैसे, 186 पैसे, और अब बिजली भी, बिजली के साथ साथ गैस महंगी कर चुके हैं। पूरे पंजाब में गैस की लोड शेडिंग है, पूरे पाकिस्तान में सीएनजी नहीं मिल रही, एलएनजी का इशू है। अब देखें ना कि इसमें इस वीक में जो उन्होंने 25 से 30 रुपए चावल फी किलो महंगे किए हैं, 15 से 20 रुपए घी महंगा कर दिया है, चने की दाल महंगी कर दिया। हकीकत में तो खान साहब जो है उनकी पूरी जो टीम है वो नालायक थी, वो डिलीवर नहीं कर सके, बेरोजगारी, लाकानूनियत। और असल बात ये है कि इश्यूज की बात, ये हेल्थ कार्ड तो हमारी गवर्नमेंट दे रही थी, आज न्यूज़पेपर पर 8-8, 10-10 लाख का इश्तहार लगा हुआ है, इनके पार्टी फ्लैग के वो कार्ड को कलर स्कीम दे दी गई है। खान साहब फरमाया करते थे कि हकूमत का क्या काम है कि वो अखबार में पब्लिसिटी करे कि हम ये कर रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये अपना फेलियर छुपाने के लिए, ये कश्मीर काज को पीछे करने के लिए, और जो मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि अदारों का मोराल बुलंद होना चाहिए। आज कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ने वाले हमारे बहादुर बेटे सर्दी की शिद्दत में बंदूक पकड़कर उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन खान साहब कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएगा तो कश्मीर आजाद होगा, 370 आर्टिकल 31 ये एक तो ये रिजर्वेशंस जो कि इस वक्त मेंशन की गई, एक तो आप इनको एड्रेस कर दें। दूसरा, जो हुकूमत अब ये नैब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लेकर जा रही है, फैसला कर लिया गया, कि आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो आ सकेगी हुकूमत के साथ और इस पर किसी किस्म की तरमीम में जो है हुकूमत का साथ देती नजर आएगी? क्योंकि पहले ऑपोजिशन की जानिब से कहा जाता रहा कि नैब कानून में तरमीम की जरूरत है, तो ये क्या आप काम करते नजर आएंगे साथ हुकूमत और ऑपोजिशन? देखिए नीलम, जो तरीकाकार है एज अ पार्लियामेंटेरियन, ये जिस वक्त में ये दो चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, एक तो ऑर्डिनेंस बनाकर दे दिया गया, दूसरा इस ऑर्डिनेंस को एक्ट की शक्ल में, अमेंडमेंट की शक्ल में लाया जाएगा, टेबल किया जाएगा इन द पार्लियामेंट, और फिर ये जाएगा जो कंसर्न कमेटी है उसके पास, जो वो इंटीरियर की कमेटी है उसके अंदर ये जाएगा, वहां पर ये डिस्कस किया जाएगा, ऑपोजिशन को भी पूरा मौका मिलेगा, तमाम जो सरकारी बेंचों के लोग हैं, एलाइज हैं, उनको भी मौका मिलेगा, डिस्कशन की जाएगी, उसके बाद इसको एक कंक्लूसिव जगह पर लाकर यूनानिमसली कोशिश की जाएगी कि अगर ये हो जाए पास तो अच्छी बात है। देखिए मैं फिर कहूंगा, जैसा कि इससे पहले भी दोनों हुकूमतों में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत थी, आवाजें बुलंद पार्लियामेंटेरियंस ने ये कहा कि देखिए इसको अमेंड किया जाए, इसके अंदर बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी नकायस हैं, कुछ इस तरह के उनको इख्तियारात दिए गए हैं जो शायद नहीं देने चाहिए। अब अगर हुकूमत वक्त ने आकर ये फैसला किया है, अब उसके ऊपर मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्यों इस तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं। अभी तो ये आएगा जिस वक्त में ये लागू हो रहा है, साहब आप बहुत से स्पोक्स पर्सन बन गए सकते हैं, उसके बाद चीजें सामने आएंगी। दूसरा, साहब आपको बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन बनाया जा सकता है, क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस ऑर्डिनेंस पर हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करती हुई नजर आएगी? और फिर ये नैब ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करती है तो फिर हुकूमत के पास क्या नई स्ट्रेटजी बचेगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट चौधरी साहब, ये आप रिस्पॉन्ड करिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट तो जब चाहे जिस चीज को चाहे टेकअप कर सकती है, क्या वो बेहतर समझते हैं? मियां तीक साहब आपकी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, नवेद चौधरी साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए बात यह है कि अभी आपने सवाल किया कि पहली बात यह है हुकूमत के पास ऑर्डिनेंस लेके जाने के अलावा चॉइस क्या है। ऑर्डिनेंस लेके चॉइस इसलिए है कि ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है वो 90 डेज के लिए होती है, 90 डेज के बाद वो लैप्स कर जाता है, अगर वो असेंबली में लेके नहीं आएंगे तो फिर ऑर्डिनेंस की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, और हुकूमत को पता है कि यह ऑर्डिनेंस ने लैप्स होना है, इसलिए वो ला के इसको एक ऑर्डिनेंस अप्रूव कराने की कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि ये क्लैश है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, और ये क्लैश इस बुनियाद पे है कि जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि कुछ तबकों को आप छूट दे दें, कुछ तबकों को ना दें, तो फिर ये चीज़ें वापस जानी पड़ेंगी, और मैं समझता हूँ ये लैप्स हो जाएगा और इसके हिसाब से इसको अमल दरामद नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक तल्लक है नए बिल लाने का, तो बिल लेके हमने कहा कब रोका है, आप लेके आएंगे जी नैब को ख़त्म करना है या नैब में अमेंडमेंट लेनी है तो बात करें, हमारे से 3 मुलाकातें पहले हो चुकी थी और इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन किस लिए है इसमें आए,
किस लिए फौरी का है? क्योंकि टाइमिंग देखे, बात तो टाइमिंग की है कि किस टाइम पे आए, और आप जी आके ये कहना कि कारोबारी तबके को आपको बेनिफिट पहुंचाने, तो आपका भी हो रहा है नवे चौधरी साहब। देखिए मेरी, मुझे जो फायदा पहुंच रहा था, रिलैक्सेशन मिलती भी नजर आएगी, तो ये फिर क्या एक रस्मी सी नीलम साहिबा, नीलम साहबा मुझे जो फायदा पहुंच रहा था वो तो मुझे 6 माह की सजा मिलकर पहुंच चुका हुआ है। मुझे क्या फायदा पहुंच रहा है? 6 माह आगे रखा ने, 6 माह और रख लेंगे, मुझे क्या फायदा पहुंचेगा? फायदा तो उनको पहुंच रहा है जिनको जिनको ना को गिरफ्तारियां हुई हैं, ना जिनको पकड़ा गया है, जिनको खुलेआम छोड़ा गया हुआ है, जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, फायदा तो उनको है, मुझे क्या फायदा है? मेरे तो हर बंदे को आज भी खुशी शाह साहब की बेल हुई है, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, मेरे तो आसिफ जरदारी साहब तभी बुनियाद पर बाहर आए हैं, तो मुझे क्या फायदा हो गया? मेरी ये गिरफ्तारी तो वही पड़ी है, याद होते नहीं आगे अनाउंस करते कि जी हम माफी का ऐलान कर दिया गया है और ये स्टेप का होगा, तो हम समझे हाँ ये हमें को फायदा पहुंच रहा है। ये तो फायदा पहुंचा रहे हैं उनको, जिनके केसेस इस वक्त मैच्योर हो चुके हैं, जिन्होंने गिरफ्तार, देखे ना इस वक्त FIR को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपके सामने है, अभी इनके खिलाफ FIR में एक चीज पड़ी है और प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर जा रहा है उसके ऊपर। 56 कंपनीज का केस है ऑब्वियसली राणा अर्शद साहब, 56 कंपनीज जो हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हम जैसे देख रहे हैं, फॉर्मल फॉर्मल जो प्राइमरी सेक्रेटरी जो पीएम है फवाद हसन फवाद हो गए, आहत चीमा हो गए, ये तो फिर उन सबके भी केसेस जो है उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगी। मियां तीक साहब हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मालूम करना चाहेंगे, लेकिन राणा अर्शद साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, रिलीफ तो आपको ये करना चाहता हूं कि फवाद हसन फवाद वो फारिग हो जाएगा, प्रिंसिपल सेफ्टी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे चीमा, ये सभी तो रिलैक्सेशन, वो 14 माह से गिरफ्तार है और आहत चीमा साहब जो है वो 2 साल से गिरफ्तार है, उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं हुए, किस कानून के तहत उनको रखा हुआ है? अब जो इनके अपने जो डीएमजी ग्रुप के, देखना एक डीजी खैबर पख्तूनख्वा को नैब ने जब पकड़ लिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व हुए, फौरी तौर पर वो ऑफिसर तब्दील हुए। हकीकत में जो ब्यूरोक्रेसी है मैं समझता हूं वो कंपिटेंट ऑफिसर है, लेकिन ये उनको जाती ऑफिसर बनाकर उनसे काम लेने पड़ते हैं, करना चाहते हैं। FIA का मुस्लिम लीग के मरकजी दफ्तर 180 पर जाकर रेड करना, वहां से रिकॉर्ड ले आना, परवेज रशीद साहब को पूछना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस किसने की थी, भाई वो तो लाइव चल रही थी, किसको नहीं पता? ये इमरान खान साहब का नैब कट जोड़, अब FIA कट जोड़ जो है मैं समझता हूं FBR में कौन है? शब्बर जैदी साहब को MNA नॉट एट ऑल, ये आशिक फिरदौस अवान साहबा, ये मिनिस्टर फाइनेंस कौन है, ये मिनिस्टर हेल्थ कौन है, ये अनइलेक्टेड लोग जो है खान साहब ने लाकर, अब बिजली गैस तो महंगा था पेट्रोल भी महंगा करने लगे हैं, गरीब का जो मट्टी का तेल वो कहते हैं 3 रुपए 10 पैसे महंगा करें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खान साहब को जब उनको खुद मैं समझता हूं कि आग की हीट महसूस होने लगी है और आजम खान उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व है। भुट्टो का शॉर्ट आपको सुनवाना चाहेंगे कि आज उन्होंने जब 4 मुख्तलिफ जो तरक्याती प्रोजेक्ट थे उनकी इनॉग्रेशन की तो उस मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, MQM को एक बड़ी ऑफर पेश की। लेट्स लिसन टू हिम एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से टुडे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, खत्म करें, गिरा दो इमरान की हुकूमत को, कराची को बचाओ, हम आपके साथ देंगे, 100% साथ देंगे, जितने कराची के खातिर, कराची के अवाम की खातिर, जितने वजारते वफाक में MQM के पास है हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजें। नवीद चौधरी साहब क्या फरमाइएगा, ये बिलावल भुट्टो साहब को आज ये ऑफर देने की MQM को क्यों पेशकश जो है इसकी जरूरत महसूस हुई? क्या ये जो उनकी स्ट्रेटजी है -1 फॉर्मूला है ये उसका एक अगला स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं, आगे मजीद जारहाना अग्रेसिव मोड में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये डेस्परेशन बात ये है कि 27 दिसंबर को इमरान खान साहब ने कराची जाना था और कराची जाके उन्होंने ये बात करनी थी कि उन्होंने कराची के बहुत से पैकेज देने थे और बहुत शोर था जी कराची आ रहे हैं, कराची में ये करेंगे, कराची में वो करेंगे, तो किया क्या उन्होंने जाके असद उमर साहब के बेटे की शादी अटेंड की और वहीं से बैठ के वापस आ गए और कराची मुंह देखता रह गया। ये कराची की महरूमियाँ जो है ना वो उसका जवाब बिलावल साहब ने दिया कि उनकी महरूमियाँ ख़त्म करने गए की तरीका, क्योंकि MQM उसकी सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ और कराची में
انہوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ آ جائیں, لیکن اس شرط پہ آئیں کہ وہاں سے چھوڑ کے آئیں. جب وہاں سے چھوڑتے ہیں تو نیچرلی ان کے پاس تو بہت ویک الائنس ہے, اور جب ویک الائنس ہوتا ہے, جب ختم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ بات انہوں نے اس اسٹریٹجی کے تحت کی, اور جہاں تک تعلق ہے یہ حکومت تو انکمپیٹنس کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے, اب تو اس کے اندر جواز ہی نہیں رہتا کوئی رہنے کا. تو میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب نے ایک وقت میں دونوں چیزیں ایکسپوز کی, ایک تو وہ دورہ معیار جو عمران خان صاحب کراچی کے بارے میں بہت سے کہتے ہیں کہ جی کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ہم اس کے کام کرے جائیں, اور ان کے گورنر عمران اسماعیل صاحب باتیں کرتے ہیں, لیکن آج تک کراچی کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے سکی فیڈرل گورنمنٹ. جو وعدے کیے وہاں کسی پہ عمل درآمد نہیں کیا, گرین بس سروس کا بات کی یا دوسرے کی, کوئی عمل درآمد نہیں, حتیٰ کہ سندھ گورنمنٹ کا جو حق بنتا ہے فنڈ کا وہ فنڈ نہیں ان کو دے رہے, تو اس لیے بات کی گئی. پروونشل گورنمنٹ کا بھی کوئی رول بنتا ہے سندھ میں ورکنگ پوزیشن کو یا ڈیلیورنس کو کرنے میں. یہاں پر نوید چودھری صاحب, میرے پیسے مجھے دے دیں, میں خود ہی کر دوں گا سارا کچھ. اس مجھے پیسے, میرے جو میرے پیسے بنتے ہیں سندھ گورنمنٹ مجھے دے دے, میرے پاس بجٹ نہیں ہے تو میں کہاں سے ڈیلیور کروں گا. میں سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہوں کراچی سے, تو مجھے مل نہیں رہا تو مجھے کیا کرنا ہے پھر. میں سوئی گیس, میں گیس اپنی پیدا کرتا ہوں, مجھے گیس وہاں ملنی نہیں. وفاقی حکومت کے جو کنٹرول میں ہے اس کی باتیں تو کرے نا, جس کی وجہ سے ہمارا پروونشل ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن obviously سندھ میں بھی ہمارے پاس کوئی بہت اچھی پکچر نہیں ہے سامنے. جو آپ کے پاس اتھارٹی, آپ بتا دیں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا, کون سی پکچر خراب ہوئی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. بٹ کوئکلی, ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں اگر کمنگ بیک ٹو مائی ٹاپک, جو بلاول کی آفر ہے اس پر وسیم اختر کا کہنا ہے, میئر کراچی کا, کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ اس پر ہی بات ہوگی, لیکن کراچی کے مسائل پر کسی کے بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے مایوس ہے, مسائل حل نہ ہونے پر دباؤ بڑھ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آن اینڈ آف ریلیشن شپ تھا ایم کیو ایم کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا سندھ میں, یہ دوبارہ ریوائیو ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور یا ایم کیو ایم دونوں جانب سے جو ہے بہتر بارگیننگ کی جو ہے پوزیشن میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم تو ایم کیو ایم نے اگر تو وہاں سے اپنی پالیٹکس کرنی ہے تو ان کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بالکل چلنا پڑے گا, اور یہ ریوائیول ان کو بھی سوٹ کرتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو بھی کرتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے صرف چند لمحوں کے لیے صرف وفاقی حکومت کی چند وزارتوں کا مزہ لینا ہے, تو وہ ان کے سامنے عوام بہتر فیصلہ کرے گی اس پہ. اور کوئکلی رانا ارشد صاحب, آخری سوال ہے, کیا پیپلز پارٹی, جس طرح سے آج بلاول بھٹو نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے, کیا نون لیگ جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پیج پر ہے حکومت کو گرانے کے معاملے کو لے کر؟ دیکھیے, اس ون پوائنٹ ایجنڈے پر کہ یہ 25 جولائی کو انٹرنیشنل دھاندلا ہوا تھا اور یہ گورنمنٹ ناکام ہے, اب اس کا جانا ٹھہر چکا ہے. آپ بلوچستان کی کولیشن پارٹنر کی گورنمنٹ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو چیف منسٹر صاحب ہیں, وہاں کے جو سپیکر ہیں, وہ کس حد تک جا چکے ہیں. پھر خیبر پختونخوا میں ان کی ناکامی, پھر پنجاب سب سے بڑا صوبہ جو ہے, مہنگائی اتنی ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو تھی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بتا ہوں, ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا کوئی کنٹرول نہیں, غریبوں کو تاجروں کو تنگ کیا جا رہا ہے, پرچے دیے جا رہے ہیں, کیونکہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں عثمان. بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب, نوید چودھری صاحب, میاں عتیق صاحب, فیض اللہ صاحب, آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلے کہ ہماری نیبرنگ کنٹری میں جو نریندر مودی ایڈمنسٹریشن ہے, اس نے پہلی بار آرمی چیف بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنانے کے لیے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے, جس کے بعد اب بپن راوت جو ہے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوں گے بھارت کے. ان کی مدت کا جو کل آخری دن تھا, لیکن آرمی چیف کی مدت ملازمت میں عمر کی حد جو ایج تھی اس میں 3 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب بپن راوت جو ہے وہ بھارت میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پر مودی ایڈمنسٹریشن کے حق میں بیان کافی دیتے ہوئے نظر آئے تھے, جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے ان کو کریٹیسائز بھی کیا گیا تھا. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو نئی تبدیلی ہے جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہے, مودی ایڈمنسٹریشن لے کر آئی ہے, اس میں جو یہ حالیہ کرائسس ہے بھارت میں وہ کس حد تک اثر انداز ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین, اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.